नाशिक शहरातील गंगापूर रोडवरील श्री बालाजी लॉन्स येथे अखिल भारतीय धोबी महासंघातर्फे महाराष्ट्रातील आजी माजी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. आयोजित बैठक ही अखिल भारतीय धोबी महासंघाबाबत संभ्रम दूर करणे, आरक्षण बाबत सविस्तर चर्चा, राज्यातील समाजाच्या वकिलांची परिषद घेणे, 2023 साठी राष्ट्रीय आदर्श माता पुरस्कार जाहीर करणे, राष्ट्रीय स्तरावर समाजरत्न व समाजभूषण पुरस्कार देणे आदी विषयांसाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून अखिल भारतीय धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली कृष्णकुमारजी कणोजिया हे अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते. धोबी महासंघाचे आधारस्तंभ राजेंद्र शेठ आहेर, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकनाथराव बोरसे आदी उपस्थित होते. यावेळी अखिल भारतीय धोबी महासंघाचे पदाधिकारी व समाज बांधव उपस्थित होते. ये गुलाब है, हम अगर कभी अच्छे कार्य करते तो हमारे कर्म जो है, हमारे कार्य जो है, लोगों के दिलों में राज करने वाले. वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, घर अपना जला के हमने रोशनी की है. वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, घर अपना जला के हमने रोशनी की है. आज भी मौजूद है मेरे घर में दिए के डब्बे, जहां उजालों ने कभी खुदकुशी की है. मतलब यह है कि जब तक के हम कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक के कुछ होने वाला नहीं. हमारे को कुर्बानी देना है, जान तन मन धन से सब तरह से देना है. और ये हम अभी से ही अगर कभी संगठन से, अभी ये नए युवाओं के बारे में कह रहे थे साहब के भाई युवा शक्ति की, बिल्कुल सही है. लेकिन युवा शक्ति को अभी, पहले एक दौर था कि एक कहने पर युवा शक्ति जो हमारे आदेश का पालन करती है.